ये हमारे पास यूएचएस पास पेपर की केमिकल इक्विलिब्रियम आयोनिक इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है हमारे पास यूनिट ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बराबर है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इफ इन सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन सम साल्ट ऑफ NaCl इज एडेड सिल्वर क्लोराइड विद प्रेसिपिटेट, ये कॉमन आयन इफेक्ट है हमारे पास, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज रिवर्सिबल एंड जो एक्सोथर्मिक होते हैं ना उसका टेम्परेचर कम करने से प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, तो कूलिंग की है टेम्परेचर कम किए तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और एंडोथर्मिक का टेम्परेचर कम करने से प्रोडक्ट कम बनता है, ठीक है। बफर सोल्यूशन इज दैट विच रेजिस्ट मिनिमाइज द चेंज इन pH, द केमिस्ट सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन एंड वो एसिड होते हैं द pH ऑफ आवर ब्लड, तो हम 7.35 बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। The value of the equilibrium constant Kc for the reaction is 10^-13 और एट दो दो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp, तो Kp और Kc बराबर होते हैं जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर होते हैं, तो वो भी इतना ही होगा। What will be the pH of solution NaOH with the concentration of -3? 10^-3, 10^-3 है तो इसका pH 3 होगा, 10^-5 दे दी pH 5 होगा, क्योंकि 10^-3 हाइड्रोजन भी उतने ही हमारे पास देगा, ठीक है। ड्यूरिंग द मैनुफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, अच्छा देखो ना ये -114 है, मींस ये एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर कम करने से प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है, तो ये कम टेम्परेचर पे होगा यानी रूम टेम्परेचर हमारे पास कोरेक्ट है, ठीक है, वो सही टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर। व्हाट इज द कोरेक्ट रिलेशन बिटवीन pH एंड pK, pH इज इक्वल टू pK लॉग ऑफ एसिड बाई बेस होता है, ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें कोरेक्ट हो जाएगा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर KSP में हम ये प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो सी वाला वुमेन ब्लड मेंटेन अ pH बिटवीन 7.35-7.4, वैल्यू ऑफ KSP पर प्लम्बम सल्फेट। अब ये देखो ना KSP कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है, ये अब याद करने वाली वाली, और ये हमारे पास है 1.6 × 10^-8। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन केसी हैज नो यूनिट, जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट की जो कि बी में बराबर है। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, ठीक है। अच्छा ये पूरा इक्वेशन है, ठीक है। अब देख लो पहले वन मोल था, ठीक है, वन मोल में इनिशियली प्रोडक्ट क्या थे, जीरो। इक्विलिब्रियम में ये 0.3 हो गए और प्रोडक्ट हमारे पास 0.6 मेरे पास हो गए, ठीक है, यानी एक मोल में 0.6 आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं वन मोल मैं और डाल रहा हूँ, तो वन मोल डालोगे इधर और 0.6 आएगा, इधर और 0.6 आएगा, इधर पीछे 0.3 बच जाएगा 0.3, तो ये तो हो जाएगा 0.6 और ये डबल उसका हो जाएंगे, ठीक है, तो ये 0.6 और ये इसका डबल 1.333 मोल मेरे पास हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल हैविंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दिस व्हाट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। कैल्शियम है एक S होगा और हाइड्रोक्साइड 2S होगा और उसके ऊपर तो ये 4S3 बनता है, ठीक है, तो 4S3 इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 6.5 × 10^-6। पहले इसको 4 डिवाइड कर लो तो ऑलमोस्ट 1.5 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 10^-6, -6 पे अंडर रूट 3 ले लो तो -6 को तो वो -2 कर देगा, अब ये तो -2 कर देगा, ये नहीं हो सकता, ए अब बी 1.5 का स्क्वायर रूट लेने से तो वैल्यू कम होती है, तो 1.5 से भी कम वैल्यू होगी, बी ऑप्शन हमारे पास कुरेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट इज दिस, तो ये हमारे पास केएसपी की बात कर रहा है। और विच आर द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट अ रिवर्सिबल केमिकल, तो प्रेशर कंसंट्रेशन टेम्परेचर सारे हमारे पास इफेक्ट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन कैटलिस्ट, द केसी यूनिट क्या है, 2 − 4, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट टू मोल ऑफ रिएक्टेंट तो -2 होगा, तो मोल है ना, मोल के ऊपर 2 का पावर है तो मोल स्क्वायर और DM³ -6, तो -2 ये इसको +6 कर देगा, इसको -2 कर देगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस हैज हाईएस्ट केबी वैल्यू, देखो ना केबी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बेसिसिटी, स्ट्रांग बेस कौन है, NaOH, व्हाट इज द pH ऑफ 0.1 मोलर, 1 बनेगा 1 × 10^-1, ये है तो -1 का मतलब है 1 pH, द pK वैल्यू ऑफ CH3CH 4.74 है, ठीक है, इक्वी मोलर है तो वो तो आपस में कट जाएंगे, 1-1 कट जाएगा, तो जितना pK वैल्यू होगा उतना मेरे पास क्या होगा, pH ही होगा, तो डी ऑप्शन कोरेक्ट है मेरे पास। 24 में कह रहा है प्रेसिपिटेशन आकर, प्रेसिपिटेशन कब होती है, जब आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेटर देन KSP, KP इज इक्वल टू KCRT इफ डेल्टा एन लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि KC बड़ा हो जाएगा, डेल्टा एन 0 का मतलब है नेगेटिव, इधर नेगेटिव पुट करोगे उस तरह हो जाएगा पॉजिटिव, तो KC जो है ना इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर तो KC की वैल्यू ज्यादा होगी। pK वैल्यू ऑफ सम एसिड आर गिवन, चूज द वीकर एसिड, इसमें हमने क्या ढूंढना है, वीकर एसिड ढूंढना है, जो वीकर एसिड वो होता है जिसकी pK वैल्यू सबसे, हमारे पास pK वैल्यू सबसे, देखो ना K डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एसिडिटी,
के जो है ना वो हमारे पास एसिडिटी के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो के वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना स्ट्रांग एसिड होगा, और पी के वैल्यू जो है ना वो जिसकी जितनी कम होगी वो उतना स्ट्रांग एसिड हमारे पास होगा। अभी हमारे पास क्या कह रहा है कि मैं आप लोगों को पी के वैल्यू दे रहा हूँ मुख्तलिफ एसिड के, ठीक है, आप दे दें हमें, आप लोग हमें बता दें कि इसमें से वीकर एसिड कौन सा है। पी के माइनस 10 देखो ना जितनी कम है, अब जितनी ज़्यादा होगी पी के उतना वीक एसिड होगा। अब माइनस 10 ज़्यादा है, माइनस 9 ज़्यादा है, माइनस 7 है, माइनस 3 सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हमारे पास वीकर एसिड हो जाएगा। कंसीडर द रिवर्सिबल रिएक्शन, द यील्ड ऑफ NH3 विल बी मैक्सिमम। NH3 का यील्ड हमारे पास कब मैक्सिमम होगा, तो NH3 यील्ड मैक्सिमम एट, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, प्लस हीट, हीट भी आ रहा है आगे, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर डालोगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे फिर भी फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है। आइस एंड वाटर इज एन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन। इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड, क्योंकि आइस में पोर्स है वो हमारे पास कंप्रेस हो सकता है। फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजिशन टू आवर लेफ्ट, बिकॉज क्यों, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 इंक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ SO3 डिक्रीज हैज टेम्परेचर इंक्रीज इज बी वाला ऑप्शन हमारे पास कुरेक्ट है, ठीक है। एक्सोथर्मिक है ना, तो टेम्परेचर की इंक्रीज करने से ये बैकवर्ड जाएगा, तो क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 इंक्रीज होंगे एंड कंसंट्रेशन ऑफ SO3 डिक्रीज हैज द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर की इंक्रीज करने से SO3 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो उसको आगे ले जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी इस पे हमारे पास एक्सोथर्मिक में हमारे पास क्या होगा, 29 में हम रॉन्ग तो नहीं कर रहे, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड हमारे पास एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की इंक्रीज करने से शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन टुवर्ड लेफ्ट, इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे आ रहा है, ठीक है। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड जो है ना वो एक्सोथर्मिक, यानी टेम्परेचर के डिक्रीज से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है और टेम्परेचर के इंक्रीज से हमारे पास क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा। तो ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो उससे हमारे पास रिएक्टेंट बनेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज ग्रेटर KP देन KC, तो जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट सी वाले में ज़्यादा है, ठीक है। और द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट हेबर प्रोसेस की, ये हमारे पास इक्वेशन है। और फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, सो द वैल्यू ऑफ KP एंड KC सेम होगी, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल साल्ट बाई पासिंग HCl गैस थ्रू सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट, ओके। और यहाँ पर हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।